प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास। हो सकता है कि आप में से ही बहुत सारे ऐसे नौजवान हों जो बात करते हुए भी डरते हों तथा हर काम में उनको डर लगता हो। तो ऐसे व्यक्ति भी आज इस लेक्चर को सुने तथा हमें उम्मीद है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अवश्य ही इंक्रीज होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कॉन्फिडेंस के लाभ क्या हैं। देखो, जब आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आपका डर खत्म हो जाता है, आपके मन में बिल्कुल ही डर खत्म हो जाता है। आप हर काम में चैलेंज ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो तथा जितना ज्यादा इसका आप ज्यादा लोगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी तथा आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो आज ही से हमें यह सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली बात है, स्टार्ट फ्रॉम योर प्लस पॉइंट्स। आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, आप अपने आप के ऊपर विश्वास करना चाहते हो, तो इसको स्टार्ट कीजिए प्लस पॉइंट से। ये देखो हाथ है ना, ये एक हाथ है, इसमें पांच उंगलियां हैं, इसमें पांच उंगलियां हैं, तो आप कहोगे ये दस हैं, दस पॉइंट नहीं। और इसके नीचे पॉइंट देखो, 3, 6, 9, 12, 14, तो ये 14 पॉइंट है, इसमें भी 14 पॉइंट है, तो 14 पॉइंट 28 पॉइंट्स। अपने 8 पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स गिनिए हैं, सारा दिन गिनते रहिए। मैं गिनना देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है। परमात्मा ने आपकी दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं, दो लातें दी हैं, एक अच्छा दिमाग दिया है, बोलने की शक्ति दी है। कई व्यक्ति बोल नहीं सकते, किनकी आंखें नहीं होती है, तो ऐसे आपके प्लस पॉइंट 28 से भी ज्यादा बनते जाएंगे। कितने ज्यादा परमात्मा ने आपको नियामतें दी हैं, किस लिए दी हैं? इसका यूज करने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। तो अपने प्लस पॉइंट सुबह से लेकर शाम तक गिनते रह जाइए, इतना टाइम ना हो कि आप अपने माइनस पॉइंट गिन सको। अगर परमात्मा अगर आपको इतने प्लस पॉइंट दिए हैं तो आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? हमेशा ही अपने प्लस पॉइंट को गिनो। हो सकते हो आप मोटे हो, तो प्लस पॉइंट आपका मोटा होना नहीं है, ये तो माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है आप अच्छा चल सकते हो, तो आप ये सोचो कि मैं अच्छा चल सकता हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं मोटा हूं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा चल सकता हूं, उससे मेरी अपनी एनर्जी अपने आप ही कम होते जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो आपका आत्मविश्वास शब्दों से, अच्छे विचारों से स्टार्ट होगा। स्टार्ट फ्रॉम योर प्लस पॉइंट्स। दूसरी बात, फाइंड योर वन ग्रेट क्वालिटी। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसमें एक महान क्वालिटी है, एक महान टैलेंट है, वो आपने सिद्ध करना है, उसको ढूंढना है। कभी कभी इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि मुझमें क्या टैलेंट हो सकता है, तो आपने ढूंढना है। हो सकता है कि आपकी आवाज बहुत मीठी है, लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बहुत अच्छा गीत गा सकता है, हो सकता है वो आप हो। हो सकता है कि आप में जांच करने की अद्भुत क्षमता हो, आप हर चीज की बहुत तह में जाते हो, आपको ना पता हो, तो उस टैलेंट को आपने ढूंढना है। जिस दिन आपको पता लग गया कि हाँ ये क्वालिटी तो किसी में नहीं है, तो उसको इंक्रीज करते जाइए, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए। हम परफेक्ट नहीं है, हम ये जानते हैं कि हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, पर किसी एक क्वालिटी की ग्रोथ हम कर सकते हैं, उसमें विश्वास बढ़ा सकते हैं। आप अच्छा गीत गाते हो, फैमिली में भी अच्छा गीत गाते हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपने अच्छा गीत गाना है, इसका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो प्रैक्टिस से। तो तीसरी बात है, गेट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी आप में हो सकता है कि समस्या आई हो, हो सकता है जब आपने पब्लिक स्पीकिंग की हो उस समय बहुत बड़ी समस्या आई हो, हो सकता है जब आप कार ड्राइव कर रहे हो उसमें समस्या आई हो सकता है जब आप स्पोर्ट्स में भागते हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो, लोगों ने आपकी खिल्ली उड़ाई हो, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है जब आपने किसी एग्जाम को दिया हो उसमें फेल हो गए हो और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो। तो बहुत सारी बातें हैं,
प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आपने क्या करना है, एक अच्छे एक्सपर्ट से, एक अच्छे गाइड से, एक अच्छे टीचर्स के साथ मिलना है, उस समस्या को सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए, रीजन कोई भी हो सकता है, तो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। सकता है कि आपका याद करने का तरीका गलत हो सकता है कि आपको आलस जैसी कई इविल्स आपके मन के अंदर हो, आपका ध्यान ना लगता हो, आपकी कंसंट्रेशन ना होती हो, तो मेडिटेशन के द्वारा आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद है प्रे ऑफ गॉड। देखो परमात्मा के पास इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है, बंदे का जन्म, बंदे का भोजन और बंदे की मौत सब कुछ परमात्मा जानता है, तो हम उसकी प्रार्थना क्यों ना करें। परमात्मा तेरे पास तो अनंत कॉन्फिडेंस है, विश्वासों का विश्वासी है तुम, तो हमें भी कुछ विश्वास पैदा कर, हमें तुम्हारे लिए विश्वास हो। जो व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता वो नास्तिक है, इसलिए अपने आप को आस्तिक बनाइए, परमात्मा में विश्वास रखिए, उसकी प्रार्थना कीजिए, उससे ऐसी शक्तियां मांगिए, अंदर अंदर ध्यान के द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाइए। इन एंड फिफ्थ पॉइंट है ट्राई टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। मैंने पहले भी कहा कि मिस्टेक्स सुन लिया, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग में अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक कैमरा लीजिए, अपनी आवाज उसमें रिकॉर्ड कीजिए और फिर उस फिल्म को देखिए कि कहां आपने स्पीकिंग करते हुए मिस्टेक की। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जैसे बोलते हैं वो वहां मिस्टेक नहीं करते, आप क्यों कर रहे हो, उसको सुधारना पड़ेगा आपको। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो अपना कॉन्फिडेंस, अगर आप एक राइटर हो तो आपने जो कुछ लिखा उसको दोबारा स्टडी करो, दूसरे अच्छे विद्वानों की स्टडीज करो जो लिखते हैं, तो देखो कहां मैंने मिस्टेक की, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, आपके कहने के तरीके की मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आपने ठीक करते जाना है, करते जाना है। हर व्यक्ति मिस्टेक करता है ये सच्चाई है, पर अपने मन में उसको ठीक करने की एक संकल्प आपने लेना है, क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, कोई मियर मेजरमेंट इससे के अलावा है ही नहीं। यदि आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं करोगे, दुनिया की कोई शक्ति आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं कर सकती। सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को ढूंढिए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज खोजी जा चुकी है जिसमें हर मिस्टेक को हम मेजर कर सकते हैं, एक सेकंड का टाइम डिले हुआ उसको हम मेजर कर सकते हैं। जब आप भागते हो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, एक बार फिर भागिए, प्रैक्टिस करिए, कहां मिस्टेक हुई, उसने भागने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया कि वो उसकी स्पीड तेज है, तो इस तरह से करते करते आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। तथा हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर आप इन पांच बातों के ऊपर फॉलो करते हो तो आप में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, धन्यवाद।